हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जी, काफ़ी दिन से जाना मैं हैक देख रही थी स्ट्रेनर वाला, कि आप स्ट्रेनर से कॉफ़ी बीट करते हैं, छन्नी से कॉफ़ी बीट करते हैं, और वो जो है ना बहुत अच्छा सा फोमिक सा टेक्स्चर बन जाता है। तो वैसे भी मुझे कॉफ़ी पीने का बड़ा शौक चल रहा था, मैंने कहा चलो गिव इट अ ट्राई। मेरा दिल बड़ा ख़राब होता है मैं कोई ऐसा हैक ट्राई करूँ और ना हो ना, फिर मुझे बड़ा गुस्सा सा आता है। लेकिन मैंने कहा खैर है, चलो ट्राई कर लेते। कुछ टाइम पहले भी ऐसा एक हैक चला था कोविड के टाइम पे, जो आप स्पून से बीट करते हो कॉफ़ी मग में और वो हो जाती, लेकिन मुझसे नहीं हुई थी। तो मैंने जो है वो ये हैक ट्राई किया, और पता नहीं कोई करिश्मा ही है कि ये जो हैक है ना, ये वो हो गया, सक्सेसफुल हो गया। बेसिकली मैंने एक चम्मच कॉफ़ी ली, एक चम्मच चीनी ली, एक चम्मच दूध और एक चम्मच पानी, उसके बाद स्ट्रेनर से उसको मिक्स 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 किया, और वो जो है ना तब प्यारा सा फोमिक सा टेक्स्चर बन गया। फिर जब ये अच्छा सक्सेसफुल हो गया मेरा, तो मैंने ना क्या कहते हैं इसको ना, अच्छा खासा क्वान्टिटी में बना के उसको स्टोर कर लिया, और 1-1.5 हफ़्ता मेरा निकल गया, मतलब बिल्कुल भी ख़राब वगैरह नहीं हुई कॉफ़ी। खैर जी, फिर हो गया था नेक्स्ट डे, और यहाँ पे जो है मैंने खीर वगैरह बना ली थी। मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 महीने हो गए थे हम कज़न्स मिले नहीं थे, हमारा गेट टुगेदर नहीं हुआ था, किसी का क्या काम था, कोई किधर था कोई किधर था, इस चक्कर में हमारा मिलना नहीं हो रहा था। तो हमने कहा चलो एक गेट टुगेदर रखते हैं, जिसमें इतने कोई हम ढेर तो कज़न्स नहीं है, लेकिन हाँ हम जितने भी 3-4 लोग हम नहीं मिले थे, हमने कहा हम जो है मिल लेंगे, बैठ के खा पी लेंगे। ईद के बाद भी हमारी ऐसी कोई दावत नहीं हुई थी जो मतलब हर साल होती है, कि हम सब जो है मिल बैठ के खा पी लेते। तो हमने जो है घर पे अक्सा को, इब्बू को, और हाँ इब्बू की अम्मा और इब्बू की जो खाला है उनको बुला लिया था, और यहाँ पे जो है खाना शाना बन रहा था। बस बनना तो क्या ही था, ये तस्वीरें खिंचवाने के लिए बैठे थे, कसम से सारा खाना मैंने बनाया, और ये बस तस्वीरें खिंचवाने के लिए, स्नैप्स बनाने के लिए आ रहे थे। और यहाँ पे जो है मेरा बारबेक्यू बन चुका था, मेरा बारबेक्यू नहीं बना था, मतलब मेरा बनाया हुआ बारबेक्यू बन चुका था, कि आप समझ रहे मैं ही सीखूँ मैं ना रोज स्टोरी। तो खैर जी, यहाँ पे हमारा खाना शाना बन रहा था, और ये रहा है इब्बू। हमारे ना नेबर्स के पास एक डॉग है, तो इब्बू जो है उससे बड़ा कोई वो हो गया, ट्रैक्ट्स हो गए, तो बाहर लेके जाके ना हमें चमाटे लगा लगा के बोलता है कि आ के मुझे जो है ना उसके पास लेकर जाओ, और फिर वहाँ जाके इतना डरता है। खैर जी, फिर यहाँ पे हम खा रहे थे खीर जो मेरी अम्मा ने बनाई थी, और जो हमने खा ली ना, अम्मा ने बोला मैं तो इसमें बादाम डालना भूल ही गई। एक तो पता नहीं क्या ये इंडियन ड्रामा वाली एक्टिंग मेरे अंदर आई थी। और यहाँ पे जो अम्मा अपनी गिफ्ट खोल रही थी, ऐसे कोई गिफ्ट नहीं था, मिठाई थी, वो पैक थी, वो अम्मा खोल रही थी। खैर जी, से अपना ब्लॉग एंड करते हैं, तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।